स्वतंत्र के रंग समेटने के लिए हम पहुंचे हुए हैं अटारी वाघा बॉर्डर पर। अटारी की तरफ की तस्वीर बेहद अलग और अलहदा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हजारों की तादाद में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। मिनी इंडिया के तौर पर इस जगह ने अपनी पहचान बनाई है। लोगों से हम बातचीत करते हैं, लोग कितने उत्साहित हैं। मैम कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? कोलकाता से। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा। कहाँ से आए हो? नांदेड़ से आए हैं। आप कहाँ से आए हो? हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद से ये देखने के लिए आए हो? यस। अच्छा लग रहा है? मस्त, एक नंबर। सर आप लोग कहाँ से? कलकत्ता। कलकत्ता से। मजा आ रहा है देखिए? मजा आ रहा है। सामने पाकिस्तान है? हाँ ठीक है सब। आप बताओ? मैं कलकत्ता से हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा। जोश में है सारे लोग? जोश में है? हाँ। जोश बना हुआ है आप लोगों का? जोश जोश है? यस जोश है। अच्छा लग रहा है? आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली। दिल्ली से? आप भी दिल्ली से आई हो? यस मैम, दिल्ली से। दिल्ली से खासतौर से इसी प्रोग्राम को देखने के लिए? यस मैम, यस। कुछ और लोगों से बातचीत करते हो? आप कहाँ से आए हो? सोनीपत से। सोनीपत से। आप कहाँ से? सोनीपत। अच्छा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा। थोड़ा मुझे जगह दीजिए आगे आने के लिए, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए आप पीछे तक अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो खचाखच पूरी तरह से ये जो स्टेडियम है, ये जो हिस्सा है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, कहीं भी पैर रखने तक की जगह नहीं है। ये आम लोगों के लिए खोला जाता है। परेड हालांकि शुरू होने में अभी थोड़ा समय है, 4:30 बजे से यहाँ पर BSF के जवानों की परेड शुरू हो जाएगी, बीटिंग द रिट्रीट जिसको कहते हैं। उसके बाद जो हमारा ध्वज है हिंदुस्तान का तिरंगा, उसको और पाकिस्तान के भी ध्वज को, दोनों को उतारा जाता है और उसके बाद बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ी जगह दीजिए आगे जाने के लिए। यहाँ पर अभी बच्चों की परफॉर्मेंस चल रही है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं अलग अलग स्कूलों के ये बच्चे हैं जो वहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ये लोग यहाँ पर झूम रहे हैं। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से। अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ। सेवेंथ में हो आप लोग? अच्छा लग रहा है? मुंबई से आए हैं। मुंबई से? या फर्स्ट मस्त लग रहा है यहाँ पे। पहली बार आए हो आप? या फर्स्ट टाइम। आज कैसी जगह है? बाकी देश के लोगों को क्या मैसेज दोगे, आना चाहिए यहाँ पर लोगों को? बहुत मस्त लग रहा है यहाँ पे आके। देखिए यहाँ पर आपने गुजरात से, मुंबई से, असम से, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी यही अपील कर रहे हैं कि उन्हें तो बहुत मजा आ रहा है। आप भी अगर अब तक अटारी वाघा बॉर्डर नहीं आए हैं तो आप भी जरूर आइए। सर अभी बॉम्बे से आया है हमें। जॉब सर अच्छा लग रहा है यहाँ? अच्छा, इधर अच्छा, पूरे फुल जोश, भारत के एक देशभक्ति से सर। बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, बहुत अच्छा। देखिए एक तरफ बच्चों की परफॉर्मेंस चल रही है, दूसरी तरफ आप देखिए सभी की नजरें उस परफॉर्मेंस की तरफ हैं और पीछे तक जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे सभी जोश और जुनून से इस वक्त लबरेज हैं। यही हमारे गणतंत्र का रंग है, यही आजादी का पर्व है। देश का संविधान जब लागू हुआ तो उसने हर धर्म, हर भाषा, हर मजहब के लोगों को एक समानता दी और उसी समानता को समेटे यहाँ पर न जाने कितने धर्मों के लोग बैठे हुए हैं, न जाने कितनी जातियों के, लेकिन सब के सब अगर सिर्फ एक रंग में रंगे हुए हैं तो वो है भारतीयता का तिरंगा उनके माथे पर, उनके चेहरे पर, और मुस्कान के साथ, पूरे जोश के साथ यहाँ पर देशभक्ति की भावना, राष्ट्रवाद को अपने भीतर जगाए हुए ये तमाम लोग। दूसरी तरफ पाकिस्तान, इस तरफ हिंदुस्तान, अटारी वाघा बॉर्डर पर इस वक्त हमारी मौजूदगी और यहाँ के रंग तो देखते ही बनते हैं। फिलहाल बिना इंतजार किए चूंकि पंजाब की कुड़िया हमारे साथ मौजूद है और ये सबसे पहले आपको गाना सुनाएंगे, उसके बाद गणतंत्र के कुछ और रंग जो हम समेट कर लाए हैं आज तक के अपने दर्शकों के लिए वो पहुंचाएंगे। सबसे पहले पंजाबी कुड़ियों से गाना सुनते हैं। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਸਨ ਤਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਦੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਸਨ ਤਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਦੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨ ਸ਼ੀਨ ਪਾ ਕੇ ਨੌਰ ਮਾਰਦੀ ਕਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਖਿਲਾਰਦੇ ਜੰਜਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੇੜੀਆਂ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਜੰਜਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ आके चंडीगढ़ गेड़िया के मार दे। शानदार सुरीली आवाज आपने सुनी। लोगों से बातचीत हम करेंगे लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन जरा आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर दूर दूर से हिंदुस्तान के हर कोने से लोग कैसे पहुंचे हुए हैं उसकी ये वानगी देखिए। सभी के हाथों में तिरंगा है और सीने में वो गर्व जिसको समेट कर ये लोग यहाँ पर अटारी वाघा बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। जबरदस्त जोश और जुनून से लबरेज सामने आप देख पा रहे हैं और उसी तरफ के गूंज भी इस वक्त पूरे के पूरे इस हिस्से में आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर
परेड की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उसके पहले 8 अलग अलग स्कूल कॉलेजेस के बच्चे, जैसा कि इन कुड़ियों को आप सुन रहे थे, इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर होनी है। अब जरा इनसे सवाल जवाब के कुछ सिलसिले की शुरुआत भी हम करते हैं। ये बताइए, यहाँ पर पहली बार आई है? यस मैम। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आप बताओ? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हम यहाँ पे। और बीएसएफ के जवानों को जब इतने रौबीले अंदाज में आप लोग देखते हो तो कैसी फीलिंग आती है? मैं बहुत प्राउड फील होता है उन्हें देखकर, उनकी यूनिफॉर्म में इतना एटीट्यूड है कि हमें बहुत अच्छा लगता है।